मिशन शक्ति की सफलता के बाद अब इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज एमीसैट सैटेलाइट लॉन्च किया। एमीसैट का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के लिए किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट पर सुबह 6:27 पर उल्टी गिनती शुरू हुई। एमीसैट के साथ रॉकेट तीसरे पक्ष के 28 उपग्रहों को ले गया और 3 अलग अलग कक्षों में नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी किया। लॉन्चिंग से पहले इसरो ने कहा कि रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के एमीसैट को 749 किलोमीटर के कक्षा में स्थापित करेगा। इसके बाद यह 28 उपग्रहों को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनके कक्षा में स्थापित करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसके बाद रॉकेट को 485 किलोमीटर तक नीचे लाया जाएगा, जब चौथा चरण इंजन 3 प्रायोगिक भार ले जाने वाले पायलोट के प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। इस पूरे उड़ान क्रम में 180 मिनट लगेंगे। रॉकेट ने सोमवार को 9:27 पर उड़ान भरी। 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का वजन 220 किलोग्राम होगा। इसमें 24 अमेरिका, 2 लिथुआनिया के व स्पेन व स्विट्जरलैंड के एक एक उपग्रह भी शामिल हैं।